एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सेफ होंगे एंड घर पे ही होंगे। तो आप सबका क्वारंटाइन टाइम कैसे चल रहा है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। मैं तो जरूर बोर हो रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाया जाए। तो इसीलिए मैं आज ये जीन्स से एक हैंडबैग बनाने वाली हूँ। ये आपने सही सुना है। एंड इसके लिए आपको एक फटी पुरानी पुरानी जीन्स चाहिए होगी। ये मेरी एक्चुअली नई जीन्स है, बट ये मुझे साइज़ में नहीं आती है, इसलिए मैंने ये ली है। एंड ऑब्वियसली हमें सीजर्स चाहिए होंगे, और सीजर्स का आप हाल देख सकते हो कैसे हो गया है। और कुछ इस तरह से डेकोरेट करने के लिए नॉट्स चाहिए होंगे। एंड ये मैंने अपना स्कार्फ भी ले लिया है साथ में डेकोरेट करने के लिए, ये आपको बाद में पता पड़ेगा। तो बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस है इसका। ज़्यादा काटाकुटी में हम नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा स्टिचिंग वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से ये बन जाएगा और काफ़ी मजबूत और टिकाऊ बनेगा, तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें जीन्स को यहाँ से काटना होगा। फाइनल डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, लाइक जैसे एक स्कर्ट दिखता है वैसे कुछ हमारा ये वाला कट दिखना चाहिए। तो जीन्स को कुछ इस तरह से कट करने के बाद हम इसे यहाँ से एक स्टिच मारेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक। वो स्टिच एक इंटैक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये स्टिच कर ली है मैंने अपने मॉम की हेल्प से। आप इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैंने मम्मी को बोल के फटाफट कर लिया। एंड इसके बाद इनसाइड आउट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसे एक परफेक्ट पर्स की तरह एक लुक आ गया है। एंड अभी हम बनाएंगे इसके हैंडल्स। उसके लिए मैं ये जो बचे हुए कपड़े हैं यही यूज़ करूँगी। इससे मैं दो स्ट्रिप्स काटूँगी। एंड इसे थोड़ा सा और कूल लुक देने के लिए मैंने ये मम्मी के कबर्ड से चुरा लिया है। इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी और इसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये हैंडल्स बना लिए हमने ऐसे, और एक मैंने यहाँ पे बना के भी रखा है। तो इसको जस्ट हमें सिंपली ऐसे करते जाना है, स्टिच कर देंगे। तो गाइस, बैग हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। एंड ये मैंने इसे हैंडल्स भी अटैच कर दिए हैं। एंड मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है ये, काफ़ी स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा खासा दे दिया है इसने। एंड ये बन ही गया है, बट इसे और अच्छा और वाइब्रेंट लुक देने के लिए मैंने कुछ इस तरह से सेम कलर में एक बेल्ट बनाया है, जो कि मैं इन लुक्स से पास करूँगी कुछ इस तरह से। इसे ऐड करने के बाद ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये हमारा बैग बन गया है। दिस इज़ द फाइनल हैंड बैग मेड फ्रॉम जीन्स विच वॉज यूजलेस जीन्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। आप ट्राई करके देखना घर पे। एंड मैं ये हाथ से ही स्टिच करने वाली थी, बट देन आई थॉट कि मशीन से ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आएगी। एंड सीरियसली इसने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है मशीन की वजह से। एंड थैंक्स टू माय मॉम जिसने फटाफट ये सारा कुछ कर दिया है। एंड अभी तो मुझे थोड़ी डांट भी खानी है, क्योंकि मैंने ये चुरा लिया था मम्मी से। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।